इस बियाबान जंगल में आवाज देने वाली देवी, क्या तुम मुझे बोल रही हो? जी हाँ, मैं आपको ही बोल रही हूँ। एक बात पूछूं? पूछिए। की उम्र की जवाने तेरी चंदा वर्गी शान है, की उम्र की जवाने तेरी चंद्रमा सी शान है, बड़ी प्यारी मीठी सी मुस्कान है, लेकिन इस बियाबान जंगल में इस उम्र में तेरा अकेले हांडन का के काम? अकेले हांडन का काम इसलिए क्योंकि मैं अपनी जोड़ी का वर ढूंढ रही हूँ, अपने लिए पति ढूंढ रही हूँ, अपने लिए हस्बैंड ढूंढ रही हूँ। जोड़ी का वर ढूंढने के लिए तुम यहाँ तक आ पहुंची हो? जोड़ी का वर बड़े बड़े गांव, शहर, नगर, कस्बों में मिलेगा, इस बियाबान जंगल में कोई जोड़ी का वर मिलेगा? सारी दुनिया में घूम आई हूँ मैं, सारी दुनिया में धक्के खा लिए, लेकिन कहीं कोई वर पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया? बावली तू पहले तो एक बार तू पेड़ से उतर के नीचे आ, ऊपर और नीचे से। मैं पेड़ से नीचे नहीं आऊं? क्यों नहीं आवे? अरे तेरा क्या भरोसा, तू कोई आम साधारण लड़की है या कोई देवी है या कोई मायावी है या इस बियाबान जंगल में रहने वाली कोई भूतनी डंकनी हो, कोई चुड़ैल हो? लगता है तूने आज से पहले कोई लुगाई देखी ना है। मैंने बियाबान जंगल में नहीं देखी। नहीं देखी? अच्छा, पहली बार देख रहा है। या तो देवता एक मेरा पिता है, अच्छा, या देवी एक मेरी माँ है, दोनों देवी और देवताओं के अलावा मैंने ऐसी देवी को बियाबान जंगल में नहीं देखा। तो आज देख ले, साक्षात तेरे सामने देख, छोरी खड़ी है। ओ। और मैं कोई भूत नहीं हूँ, कोई भूतनी नहीं हूँ, लड़की हूँ बस मैं। कोई भरोसा ना, कोई हो चौराहे वाली। ऐसा है छोरे, पहले तो अपना नाम बता कि तेरे नाम क्या है। मेरा नाम भी था और मेरा गांव भी था। अच्छा, यूं क्या करें और परी, हाँ। कि कंगाली के तीन नाम और लुच्चा गुंडा बेईमान। अभी से बियाबान जंगल में कंगाली के समय में ना क्या नाम पूछ के लेगी और क्या काम पूछ के लेगी? अरे सीधा सीधा ही बतला ले, करती उल्टा उल्टा बतलावे तू तो। पर यूं बता, मेरा नाम काम पूछ के क्या ले? मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूँ, तेरे गले साथ फेरे लेना चाहती हूँ, सुन ले। मेरे ते ब्याह करेगी तो? हाँ। मेरे ते? यस। तेरी बुद्धि होगी खराब तो अपनी बात कहे। हाँ। और मैं तेने समझा दूं अगर तेरी समझ में आ जाए। और मैं भी तुझे समझा दूं। आज से पहले विवाह के नाम तूने सुना नहीं होएगा, लेकिन अब मैं तुझे बताऊं विवाह के कितने कितने फायदे। क्योंकि यूं क्या करें कि बीरवानी की बुद्धि गुद्धि में रहे, मन ऐसा लागे कि बियाबान जंगल में आके तेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और आदमी की बुद्धि घुटने में पहुंच गई है तेरी। सुन ले मेरी बात। कहे अपनी बात सुन ले। दिखे उतर पेड़ ते तड़े एक बे, हो दिल मेरा डाटने आने, लगा यू बोली रे उतर पेड़ ते तड़े एक बे, दिल मेरा डाटने आने। हाँ, तुम्हारी भी सुन ले फिर। क्या दे? क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काट रहे आले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काट रहे आले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काट रहे आले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी आरे। दिखे तेरे मिलन की, हो 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 हो। अरे तेरे मिलन की बाट बाट में घणी हाण होली मने। कुछ जाल गिरना चावे से, कुछ जाल गिरना चावे से, यूं कति जान होली मने। दिख शादी कर ले तेरे किस मर्द की, आण कान हो लई मने। दिख शादी बिना, अरे शादी बिना, और शादी बिना मलंग हांडन की,
मोरबान होली मने शादी ब्राह्मण में हाड़न की मोरबान होली मने मेरा क्यों कर होगा भला बता दे हो 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 कर होगा भला बता इस मौके पे नाटन आने जने कितने देखू जने कितने देखो रोज तेरे किस बियाबान में हंडन का के सावत्री से काम तेरा जोड़ी कावर मिला नहीं न्यो छुट गया ए शराम मेरा हाँ जोड़ी कावर मिला नहीं न्यो छुट गया ए शराम मेरा तक तेरी आविष्य की बेल कैसे तेरी आविष्य की बेल कैसे मरिया करे चाटेरे आरे के काले नाग जहर दे कदलार तेरे आले तू खोवे सके चली जा हो हम लकड़ी काटने आले तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे नजारे हम तो क्या सावत्री की बेटी सावत्री हो जी हाँ उसकी इकलौती बेटी सावत्री हूँ मैं और तेरे माता पिता ने तुझे अकेला भेज दिया मेरे माता पिता ही बोले हमारे बस की ना है तेरा जो पर ढूंढना अपने आप ढूंढ ले जैसे माता पिता भी ठीक है जो छोरी तो जो कह दें जो अपने आप ही देख ले यूँ कह रहे तेरी समझ में ही ना आई तो अपने आप ही ढूंढ ले अच्छा हाँ सावत्री मैंने नाम तो बहुत सुना सुना है ना हाँ नाम सुना तेरा अच्छा एक बात बता तुझे शादी करने में दिक्कत क्या है कोई कमी है तेरे भीतर नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है लेकिन दिक्कत तेरे लिए खड़ी होगी अरे आज से पहले तू अकेले लकड़ी काटता था अब आगे आगे मैं लकड़ी कटवाऊंगी तेरी गैल तेरा काम बटाऊंगी एक वोट और बढ़ेगी तेरे मने ऐसे भले करेगी ना लगे जो मेरी गैल लकड़ी काट ले बताओ मन कैसी हो मैं भले घरों की और ऐसा ना हो कि मैं तेरे ते ब्याह कर लूं मेरे अंधे माता पिता की सेवा करनी दुश्वार हो जाए अच्छा कहीं लेके फरार हो लेकिन अंधे नगेर कुआ में चल मेरी गेल ऐसे संस्कार नहीं है मेरे सत्यवान जी
कैसे संस्कार हैं तेरे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस एक बार आप विवाह कर लीजिए, देवठनी आ रही है, देवठनी पे कर लेंगे विवाह। अच्छा हाँ, देवन देव तेरे ही नाम के जगेंगे? मेरे ही नाम के जगेंगे, सुन ले मेरी बात। सुना सुन ले। अरे मर्द वीर का मर्द वीर का शरीर एक जैसे कट जामर हम लोटे में। राज पाट देख राज पाट आनंद छोड़ के फादा दुख योटे में। कैल लाकड़ी काटूंगी जो साथ नफे और टोटे में। मेरी पतली ही कमर या पतली कमर या पतली कमर जरविया जागी ज्यादा बजने भरोटे में। पतली कमर जरविया जागी और ज्यादा बजने भरोटे में। के दुख की परवाह नहीं वीर ने, हमें अपने आप गरीब बता किस किस के दुख बटने आरे। क्यों खोवे से टेम चली जा गरीब बटने आरे। बड़ा भाई है ना छोटा भाई? मेरे भी नहीं है। तेरे भी नहीं है? ओहो भाई, तेरे माता पिता को दिखाई देता होगा? हाँ देता है, लेकिन मेरे माता पिता को दिखाई नहीं देता। मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, जो आंखों से दोनों अंधे। ओहो सत्यवान। तेरे पास, तेरे माता पिता के पास राजपाट होगा, हाँ। रहने के लिए घर और मकान होगा, हाँ। लेकिन मेरे माता पिता के पास राजपाट और महल मकान नहीं है। इस बियाबान जंगल में एक टूटी सी झोंपड़ी है। अच्छा, झोंपड़ी में रहना पड़ेगा। रह लूंगी, जो जाड़े में ठहरेगी ठहर लूंगी, गर्मी में तपेगी तप लूंगी, और चौमासे में टपकेगी। क्या झोंपड़ी? चलो इसका भी बंदोबस्त करेंगे तो ब्याह तो कर पाएंगे। तीनों मौसमों का कोई आराम नहीं मिलने वाला। अच्छा, चार पाई पे गद्दों पर सोती होगी, फूलों की सेजों पर सोती होगी। हाँ सोती तो हूँ मैं। बियाबान जंगल में देख रही है, ऐसी घास पे सोना पड़ेगा? ऐसी घास भी ना मिलेगी, यो घास भी यही है पर एक जाके तो यो घास भी ना। भेड़ बकरी भी मिलेगी फिर तो तेरे आसपास? बियाबान जंगल में जमीन में सोना पड़ेगा। सो जाऊंगी, देखी जाएगी। रूखा सूखा खाना पड़ेगा, खा लेंगी। फटे टूटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, पहन लूंगी। ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे फटे टूटे? कैसे? और फटे टूटे भी मिले मिले, क्योंकि यहाँ कोई बाजार नहीं है, कोई मॉल नहीं है। अच्छा, फटे टूटे भी मिले मिले, ना मिले के तो बियाबान जंगल में केले के पत्ते लपेट के भी रहना पड़ सके। कती कंगाल है तू तो। अच्छा, केले के पत्ते भी लपेट के रहना पड़ेगा? हाँ, केले के पत्ते लपेट के भी गुजारा करना पड़ सके। चल लपेट लूंगी, लेकिन कोई जानवर नहीं होना चाहिए। हाँ, जानवर कोई ना, पर बहु भी हर की 5-10 बकरियां जरूर डोले। और तो हम तो बकरी भी ना।
शक्ति स्वरूपा, हे देवी सावित्री, कहिए महाराज, क्यों धर्मराज के पीछे पीछे आ रही हो, क्यों रो रही हो? रोना धोना बंद करो, अपने घर को वापस चली जाओ। मैं आपके पीछे पीछे इसलिए आ रही हूँ धर्मराज जी, हाँ? क्योंकि आप मेरे पति के प्राण मुझसे लेकर जा रहे हैं। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, जिसकी जितनी आयु है उसे उतने ही दिन जीना होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं बहुत दुखियारी हूँ, मेरे अंधे सास ससुर हैं और उनका इकलौता सहारा मेरे पति थे। आप मेरे के पति के प्राण मत लेके जाइए। क्या तू अपने पति के साथ आई? जी महाराज। बियाबान जंगल में आई? जी महाराज। या दुनिया में भी तू अपने पति के साथ आई? नहीं महाराज, कोई किसी के साथ नहीं आया, ना कोई किसी के साथ। मेरी आपसे विनती है कि मेरे पति के प्राण मुझे वापस कर। ये तुम्हारा पति नहीं है, क्यों पागल हो रही हो? जब तक जिंदा था तो तुम्हारा पति था, लेकिन अभी ये खाली मिट्टी है महाराज। की पांच तत्व का खेल बिगड़ के लिकड़ी आत्मा बाहर गया, अरे खाली पिंजरा पड़ा सामने तो पंछी पैर पसार गया। खाली मिट्टी पर रोना व्यर्थ है सावित्री। लेकिन महाराज, हाँ? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कुछ रहम खा लीजिए मुझ पर, मेरी बात सुन लीजिए। धर्मराज वैसे रहम खाता तो नहीं है, लेकिन मुझ पर खा लीजिए महाराज। लेकिन कहो, तुम्हारी बातें सुनता हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनाओ। हो मेरी अरज सुनो या मेरा कुछ रहे।
किसलो या मेरा आजे कुछ ये कुदरत के नेम है बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी और सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी अरे बिना पति के दुखियारी की बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा नहीं ही माती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पहला गे चोट रे अरे हो चोट रे पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा जी महाराज नहीं हिमाती मेरा कोई नाव मेरी मझधार हो जा हाँ। और अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे जी महाराज तुम्हारे सास ससुर की इकलौती संतान तुम्हारा पति था हाँ महाराज जिनकी आयु पूरी हो गई जिनके प्राण में लेकर के जा रहा हूँ हाँ महाराज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ है सावित्री लेकिन होता वही है जो कर्म में लिखा है लिखे हुए कर्म को कोई मिट नहीं सकता जानती हूँ तेरे पति की आयु इतने दिन की थी इतने दिन जी लिया लेकिन मैं तो फिर भी आपसे विनती कर रही हूँ अब तो सबर कीजिए अच्छा लेकिन महाराज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए तो मैं तुम्हारे पति के प्राण मैं नहीं लौटा सकता सावित्री तो फिर महाराज मैं इसके बदले तुम्हें और कोई खुशी दे सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पति के प्राण नहीं लौटा सकता सुन मेरी बात कही अपनी हो नाड़ झुका लूंगा लाश के अंदर प्राण द्वारा लाश के अंदर प्राण द्वारा कभी नहीं डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो तिहालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो तिहालूंगा अरे झोली फैलाई दुखिया ने झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का आशीष कर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो मैं फिर मांगू महाराज रे ओ महाराज रे मैं फिर
बाजे सुनो या मेरा देना चाहते हो तो पहले तीन वचन भर लो। हाँ महाराज। पर मैं ये कहता हूँ कि सत्यवान के प्राण छोड़ करके कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें जो मांगोगी वही दूंगा। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे ये कहा है और मैं आपसे बस तीन ही वचन भरवाना चाहती हूँ। तीन वचन भरवाने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है सावित्री। अच्छा, लेकिन अगर तीन वचनों की तुम्हारी हट है तो एक वादा मुझसे करना पड़ेगा। क्या महाराज? तीन वचन भरवा करके चाहे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वस्तु, कोई भी खुशी मांग लेना जी, लेकिन एक वादा करना। कौन सा वादा? और वो एक वादा यूं समझो कि एक वचन देना और एक वचन में एक वादा मेरे से करना होगा। जी महाराज, कहिए अपनी बात। देख सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाठ राजपाठ धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। देखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। देखट के मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। अरे सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आँखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। हो मेरा वचन तीसरा, हो मेरा वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और रे, अरे कुछ और रे, मने ना चाहिए कुछ या था कि सत्यवान के प्राण छोड़ करके कुछ भी मांग सकती हो। हाँ महाराज। और तुमने सत्यवान के प्राण छोड़ करके तीन वचन भरवा करके तीन खुशी मांगी। मैंने अपने पति के प्राण आपसे नहीं मांगे। नहीं मांगे? मैंने आपसे तीन वचन मांगे, तीन खुशी मांगी है जी। और तीन खुशी में मैं दोहरा दूं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर जो अंधे हैं, हाँ, उन्हें आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए जी महाराज। दूसरी खुशी कि तुम्हारे सास ससुर कवि राजा रानी कहलाया करते थे। हाँ महाराज। उनका राजपाट फिर से वही हुआ, राजपाट वापस मिलना चाहिए जी महाराज। तीसरी खुशी तुम्हारे पति इसी दुनिया में नहीं रहे, हाँ, तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन हो, मेरे जीने के सहारे के लिए मुझे तुम्हारा जीने का सहारा हो। हाँ महाराज। बड़ा होकर के राज का उत्तराधिकारी बने जी महाराज, तुम्हारे ससुर की तरह वो भी एक राजा कहलाए। हाँ। तुम्हारी कोख से एक नेकवान, धैर्यवान, रूपवान, चरित्रवान, गुणवान एक बेटा पैदा होना चाहिए। हाँ महाराज। तीन खुशियां मांगी और कुछ? नहीं महाराज, बस तीन वचनों के अलावा मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मांग ले, ऐसे में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बस ये तीन वचन मेरे पूरे कर दीजिए महाराज। ये तीन वचन तो यूं समझ तेरे पूरे होंगे।
बस इनके सिवा मुझे चौथा वचन भी नहीं चाहिए। चौथी कोई खुशी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कोई बोल चौक में रह रही हो तो फिर मांग ले। नहीं महाराज, बस मेरे तीन वचन बस आप पूरे कर दीजिए। कोई बात नहीं, तेरे तीन वचन तो पूरे होंगे, अगर मेरे इतना होंगे दादा राजेंद्र जी बैठे हैं पूरे करेंगे। कहीं से भी करवाइए महाराज, लेकिन आपने मुझसे कहा है। कोई कसर रह जा तो सीधी चली जाइए पैंगर तू भगी भगी। ठीक है महाराज, लेकिन मेरे वचन हाँ, पूरे हो जाने दादा चाहिए। के पकड़ लीजिए कुर्ता है। ठीक है महाराज सुन। सास ससुर तेरे उजियारा दिया। मेरा एक वचन पूरा हुआ महाराज। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा दूसरा वचन पूरा हुआ महाराज। अरे तेरी कोख से, तेरी कोख से, तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। मेरा तीसरा वचन भी पूरा हुआ महाराज। तेरे सास ससुर अंधे। हाँ महाराज। तथास्तु वो नेत्रवान हो जाएंगे। जी। तेरे सास ससुर का लुटा हुआ राजपाट। हाँ। तथास्तु दोबारा मिल जाएगा। दो वचन भी पूरे हुए महाराज। तूने कहा कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। तथास्तु तेरी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। तीन खुशी मांगी और मैंने तीनों खुशियां खुशी से दी। अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हैं महाराज? अब कहीं और अभी कोई रोटी पानी का इंतजाम देखने दे। लेकिन मेरे वचन तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। कैसे पूरे नहीं हुए? तीसरा वचन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है महाराज। तीसरे वचन में तूने कहा था कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए और मैंने कह दिया कि जा तुम्हारी कोख से बेटा पैदा हो जाएगा। हाँ। फिर कमी कहाँ रहेगी? अभी मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ। तीसरा वचन समय पे पूरा होगा, यूँ थोड़ी है धर्मराज के जेब में लाल लाल कार्ड को दे दूं। लेकिन महाराज जाते जाते तो वचन पूरा करके जाना, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। मैं भी जानती हूँ समय पूरा होना चाहिए, लेकिन आप मेरा तीसरा वचन पूरा करके नहीं जा रहे, मैं बस इतना बता रही हूँ। क्यों क्यों कैसे नहीं करके जा रहा? सुनिए मेरी बात। कमी कहाँ बता? अभी बताती हूँ। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। अरे ख्याल करो हरे राम में बैसले, ख्याल करो हरे राम में बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे, बिना पति के पतिवरता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जीवाओ रे। दादा मरवाजी धर्मराज, मेरा तीसरा वचन पूरा करके जाइए महाराज। सावित्री जी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं महाराज, वाकई मैं तुम्हारी प्रवीण बुद्धि के सामने मैं हार गया और तुम जीत गई हो। तीसरा वचन, तीसरा वरदान, तीसरा वचन मैं वाकई पूरा नहीं कर सका और ना कर सकूंगा, क्योंकि तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया कि एक सतीवीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। वाह। तो जति मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कहां से कैसे पैदा हो जाए? हाँ महाराज, मैं तो इस बात की मेरे से गलती हो गई। दो वचनों पर सबर कर ले, तीसरे के लिए धर्मराज नहीं महाराज माफ कर दे। या तो आप अपने वचन हार हो जाइए। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोग धर्मराज के ऊपर विश्वास करना छोड़ दें। पति को जिंदा कर दीजिए। तुम्हारे पति को जिंदा कहां से करूं, इसकी आयु नहीं। तो महाराज कुछ तो उपाय होगा। कोई उपाय नहीं, उपाय एक ही है। क्या? कि धर्मराज को सती सावित्री ने इस धर्म संकट में फंसाया। तो बेटी सावित्री निकाल भी तुम ही सकती हो, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। आप मुझसे बड़े हैं महाराज, मैं तो बस
आपसे एक छोटा सा उपाय बता सकती हूँ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। क्या? अच्छा ये बताइए कि मेरे पति के प्राण, मेरे पति की आयु कितनी है? तेरे पति की आयु तो खत्म हो गई। और मेरी आयु? तुझे तो अभी 2100 वर्ष जीना। फिर भी महाराज? तुझे तो अभी कम से कम 300 वर्ष जीना। 300 वर्ष जीना? तो फिर एक काम कर दीजिए महाराज। हाँ? कि जो मेरी आयु 300 वर्ष बाकी है, हाँ? उनमें से जो आधी आयु है वो मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए और आधी आयु मेरी रह जाएगी। आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और मेरे पति भी जिंदा हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली सावित्री के लिए। और एक काम और भी होगा महाराज। क्या? कि इस दुनिया में सत्यवान और सावित्री साथ साथ जिएंगे और साथ साथ ही मर जाएंगे। धन्य बेटी सावित्री जी ने जो जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। धन्य तेरी प्रवीण तेज बुद्धि, धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया और निकलने का बड़ा आसान सा रास्ता बताया। जी महाराज, मैं जो तुमने कहा है मैं वही करूँगा। तुम्हारी आयु में से आधी आयु तुम्हारे पति सत्यवान के नाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हो यमराज होया हो लाचा राजे होया लाचार हार के प्राण लाश में डाले मेरी। राजे सुनो या मेरा आज आज कुछ सुनो या मेरा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हाँ तो बहन द्रौपदी, कहिए भैया। आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। किस लिए? आज तेरा भाई कृष्ण भगवान आया है और तेरा भात देने के लिए आया है। तुम्हें तो मेरे मंगल गीत गाने चाहिए, मेरा आरती करना चाहिए। ना तो मुझे इस बात की खुशी है। किस बात की? कि आज छलिया माखन चोर, हाँ? मेरा भात भरने आया है। अच्छा। और ना मुझे शादी से कोई खुशी है। अरे उतर जा पटले से, नहीं चाहिए मुझे तेरा भात, चला जा यहाँ से वापस। बहन, हाँ? बाती एक का भी होता है, बाती लाख का भी होता है। मैं तेरा भाई हूँ और तेरा भात देने के लिए आया हूँ, तुझे मेरा भात लेना होगा। मेरा भात देने लायक नहीं हो छलिया माखन चोर, मैं आपको अपना भात देने लायक नहीं समझती। कुछ कहना चाहती हो? हाँ बहुत कुछ। कह दे फिर। ओ तू ते पटड़े ऊपर पैर धरने सुन मत नंद लाल उठाइए। तेरा पाँच दिन ने चार खड़ा तू मत दे दे हम तैये हो। पाँच दिन ने चार खड़ा तू मत दे दे हम तैये। पटड़े ऊपर पैर धरने दे मत दे लारे पैर धरने दे सुन मत दे लारे उठाइये। पाँच दिन ने चार खड़ा तू मत दे दे बात देने ने चार खड़ा तू मत बे बे धम कहिए। हे छलिया माखन चोर, कह दे अरे आप क्या जानो कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। हाँ। भाई का तो फर्ज, अच्छा, बहन का दुखों में साथ देने का होता है, लेकिन आपने कब और कहाँ मेरा साथ दिया छलिया माखन चोर? सुन ले। कह दे तू के जाने रिश्ता कैसा
तू के जाने ये रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से मेरे दर्शन हो जा दोनों के वा समय चैन का हो से के भाई का फर्ज बहन ते के भाई का फर्ज बहन ते दुख देने का हो से अरे ना भाई का फर्ज दुखों में ये अलग रहे का हो से ना भाई का फर्ज दुखों में ये अलग रहे का हो से कृष्ण कहाँ निभाया था तू ए रे 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 कृष्ण कहाँ निभाया था तू अपना फर्ज बताइए चीर द्रौपदी चीर द्रौपदी बधा दिया तू मत एहसान भुलाइए हो चीर द्रौपदी बधा दिया तू मत एहसान भुलाइए हो बढ़ाने को अपना एहसान समझते हो हाँ आपने तो मेरा चढ़ा चढ़ाया एहसान तारा है छलिया माखन चोर जब परी सभा में वो दुशासन तुझे नगन कर रहा था हाँ तूने अपने भाई को याद किया मैं दौड़ा आया और मैंने इतना चीर बढ़ाया वो पापी दुशासन धरनी में चक्र खाके गिर गया लेकिन तेरे चीर का अंत नहीं होने दिया मैंने आप उस चीर के किस्से को मुझे याद दिला रहे हो हाँ तो एक बात मेरी भी सुनिए सुनाइए जब शिशुपाल को मारा था हाँ तो तुम्हारा चक्कर तेरे हाथ में लगा था लगा था और यह वही द्रौपदी बहन है जिसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर तेरे को पट्टी बांधी थी अरे तूने तो अपना चढ़ा चढ़ाया एहसान तारा है और इसे एहसान बता रहा है और कुछ कहना चाहती है हाँ बहुत कुछ सुन ले मेरी ठाकुर सा एहसान तने तो ठाकुर सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा कुण सा तने चढ़ा रख्या वो भेद खोल दे सारा मारा था शिशुपाल हाथ में मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा दुधारा मैं जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा जान गया तने पट्टी बांधी मेरे रुकी खून की धारा वचन दिए एहसान बतारा रे 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 वचन दिए एहसान बतारा तू चला यहाँ तो जाइए अरे जो मांगे दी जो मांगे दी तो दूंगा परे असल रूप में आइए जो मांगे दी तो दूंगा परे असल रूप में आइए किया मेरे पहले कैसा रूप किया मेरे खुले बड़े देख ले ज्यादा को न टेम तू पूरे हुए सवाल देख ले जान गई कंगाल तू जग में जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले घाटे में तू घाटे में रह जागी बात की करके टाल देख ले घाटे में रह जागी बात की करके टाल देख ले
धन माल देख ले रे 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 रे। ना चाहिए धन माल देख तू ते मत पाच बचत ये रे साप साप दुख साप साप कह दे बहना जो कातनों का चाहिए साप साप के दे बहना जो कातनों का चाहिए दे। अगर आप हाँ सचमुच मेरा भात भरना चाहते हो सचमुच तो मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए और मेरे ये तीन वचन भर दीजिए। ये तीन वचन ही मेरे लिए इस दुनिया का सर्वस्व है छलिया मखन चोर। अरे कोई धन दौलत मोहर असरपी मांगती ये वचनों का भात मैंने पहली बार सुना है आज। मुझे आपकी धन दौलत शोहरत से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है भर दे मेरी तीन वचन और सुन ले मेरी बात। तीन वचन भर दे छलिया ना तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती एक वचन पहला दे देना छोटू बाण फिरोती। पर दोनों ने वचन लिए क्यों पर दोनों ने वचन लिए क्यों खड़ी बहुत बह रोती। अरे तेरा मेरा दोष नहीं ये समय सराणी होती। तेरा मेरा दोष नहीं ये समय सराणी होती। थारा क्षणी दिल का पीऊं रे 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 थारा क्षणी दिल का पीऊं मन भैया खून पिलाइए। पांच पांडव और एक कृष्ण पर रहे में द्रौपदी खाइए। पांच पांडव और एक कृष्ण पर रहे में द्रौपदी खाइए। फिरोती का पता नहीं तन मारी चोट कुटारी। अरे तेरी तो चली आई ना फिरोती लई निराली। तुम छह ओके बिना कन्हैया तुम छह ओके बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में भरवा दूंगा तू सवर्ग पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा तू सवर्ग पांचाली। कृष्ण बात जयकर न कर दे रे 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 रे। कृष्ण बात जयकर न कर दे तू नित भारत मा गई। गुरु शरणदास की शरणदास की मेहर फिरी तू पटड़े ऊपर पैर धरन पटड़े ऊपर पैर धरन सुन पुत नंद लाल उठाइए। अरे बात बेद ने प्यार खड़ा तो मत दे दे हम कहिए। बात बेद ने प्यार खड़ा तो मत दे दे हम कहिए। भाई नो बोला रे सपने झूठे हो सेरानी और क्यों जिंदगा
तेरी सपने झूठे हो शरानी तू क्यों जिंदगानी खोरी। अरे तीन लोक और सौदे भवन में रावण रावण हो री, तीन लोक और सौदे भवन में रावण रावण हो री। सपना झूठे हो शरानी, सपना झूठे हो शरानी तू जिंदगानी खोरी, तीन लोक और सौदे भवन में रावण रावण हो रे रावण रावण हो री। अरे 60,000 वर्ष हो लिए, 60,000 वर्ष हो लिए राज करूं सुछटके। 33 करोड़ देवता कैद में कोई ना बोले हटे के, 33 करोड़ देवता कैद में कोई ना बोले हटे के। रही पीस पीस ना दे पवन बुहारी डटके, इंद्र देवता जल छिड़के और कार कुएं में लटी दे, इंद्र देवता जल छिड़के और कार कुएं में लटी दे। कन्या कहती मन्ने सुन ली, कन्या कहती मन्ने सुन ली, खामा खत्म जोरी, तीन लोक और चौदह भवन में रावण रावण हो री, तीन लोक और चौदह भवन में मुकट सब मने बड़ा छटे से, जितने राजा मोर मुकट सब मने बड़ा छटे से। शेषनाग पाताल का राजा दिन 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 पाते से, दरबारों में आवे महात्मा शीश झुकाना दे से, दरबारों में आवे महात्मा शीश झुकाना दे से। मैं भी वहाँ पे पहुँच गया और राम लखन भी पाए। उन दोनों की क्या गिनती बने, बड़े बड़े राजा
आए। जब हाथ धनुष के लाया था तो तीन लोग थर्राए। जब हाथ धनुष के लाया था तो तीन लोग थर्राए। आंख खोल क्यों पड़ी धरन में, आंख खोल क्यों पड़ी धरन में, तुझ गफलत में सोरी। तीन लोग चौदह भवन में रावण रावण हो, तीन लोग चौदह भवन में सूरत भोली।
और आदरणीय हमारे श्री We'll be right back.
मानस का जब समय बिगड़ जा ए रे कुछ ना पार बसावे से और अपने भी खुद दुश्मन हो जा ना कोई साथ निभावे अपने भी खुद दुश्मन हो जा ना कोई साथ निभावे से मानस का जब बसावे से और अपने भी खुद दुश्मन हो जा ना कोई साथ निभावे से। पहली बात में उस नल राजा का जिक्र किया है कि जब नल राजा उस पुष्कर से जुए में हार गए थे तो उनकी कैसी गति हुई थी। आइए पहली बात में क्या बता दिया हार गया जुए में सबर होनी खेल खिलाड़ी थी फिर पुष्कर ने करता काढ़ा फिर पुष्कर ने करता काढ़ा होनी मन में भारी थी मन में सूती छोड़ दई जा रे प्राणों से भी प्यारी थी प्राणों से भी प्यारी थी वीर मर्द भी Oh!
की जिंदगानी खातर नर के
भरोसा तू वर्षों का सामान करे। अरे पापी, अरे मन मूर्ख, उस दिन को भूल गया जब उल्टा लटका रहता भगवान को याद करता। भगवान किसी भी प्रकार से नरक कुंड से बाहर कर, दुनिया में आकर के धर्म पुण्य दान करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा, तेरा भजन करूंगा। इस दुनिया में आकर के तू सब कुछ भूल बैठा, अपने गर्व और गुमान में मद में अंधा हो गया, धन के नशे में अंधा हो गया, जौवन और जवानी में अंधा हो गया। तूने परमात्मा को विसार दिया, परमात्मा का नाम बुला दिया। नंबर एक में कवि ने क्या लिखा वाला, फूके दें,
फोड़ी जागी ताट तेरी, फोड़ी जागी ताट तेरी, और मात पिता हो अरे मात पिता बंधु सुत नारी मतलब की पहचान करें एक मिनट का नहीं भरोसा वर्षों का समान करे वर्षों का समान करे सागर पे हो तू भव सागर ते पारी उतर जा तू भव सागर ते पारी उतर जा कृपा श्री भगवान करे एक मिनट का नहीं भरोसा वर्षों का समान करे वर्षों का समान करे अरे दो दिन की जिंदगानी खतर नरके के तूफान करे एक मिनट का नहीं भरोसा वर्षों का समान करे वर्षों का समान करे करे पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं भाई मात पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा इस दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं मात पिता से ऊंचा ले सकता भगवान नहीं मात पिता सा इस दुनिया में का जिन्हें मात पिता
सेवा का ध्यान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता सा इस दुनिया में। नहीं मात पिता से ऊंचा दर्जा दे सकता भगवान।
भगवान नहीं। महत पिता सा इस दुनिया में मंदिर आलीशान नहीं। महत पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। महत पिता सा इस दुनिया में जोरदार तालियां जोरदार हो। नर कर आगे का ख्याल हो तू मत ना चोड़ा हो के चाल बुढ़ापा कैसा बैरी आवेगा के खेल खिलावेगा। नर कर आगे का ख्याल चौड़ा हो के चाल बुढ़ापा बैरी आवेगा के खेल खिलावेगा। नरे परिया के ख्याल मतना चौड़ा हो के चाल बुढ़ापा बैरी आवेगा के खेल खिलावेगा। के चाल बुढ़ापा बैरी आवेगा और जनके के खेल खिलावेगा। पहली बात के माध्यम से ये बता दिया कि जब तेरी बुढ़ापे की अवस्था आएगी तो कैसी कैसी तुझे दुख उठाने पड़ेंगे, क्या क्या तेरे शरीर के साथ होगा। लेकिन पहली बात के माध्यम से क्या बता दिया कैसे। अकेला तेरा मेला पीछे छूट
वाजिब चालेंगे लोग उठा के नाड़ी बोले पौड़ी में जाके जिब चालेंगे लोग उठा के नाड़ी बोले पौड़ी में जाके जिब चालेंगे लोग उठा के नाड़ी बोले पौड़ी में जाके जिब चालेंगे लोग उठा के किसे की कोन्या चाली चेहरे
की सारा होते खाली एका बड़े मकान पैसा की जवानी तेरी होश के समान हो डल जागी जवानी तेरी होश के मत ना बांधे झूठी से की पति न छोड़े के कर लेने की मत ना बांधे झूठी से की पति न छोड़े के कर लेने की दिना ना चलती देखी कड़े दिना ना चलती देखी करी तो जागी जवानी तेरी होश के समान जागी जवानी तेरी होश के जोरदार तालियां जोरदार।